नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी के फुल अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि टाइगर 3 मूवी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है, और साथ ही साथ सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी जो कि यह फिल्म अपने पहले दिन जो कि कितने फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी, जिस मूवी को जोरदार और धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाएगा 10 नवंबर के दिन। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 10 नवंबर के दिन यह फिल्म जो कि जोरदार तरीके से रिलीज होने वाली है और बहुत सारी फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। आप लोगों को इससे पहले बताया चले कि टाइगर 3 मूवी जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे जोरदार और सबसे धमाकेदार फिल्म है, यानी कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस तो बना ही हुआ है, और इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। आप लोगों को बताया चले कि सलमान खान की हर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करती हैं और साथ ही साथ ऑडियंस का दिल भी जीतने में कामयाब रहती हैं। आप लोगों को बताया चले कि सलमान खान की हर फिल्में जो कि 100 करोड़ रुपए के ऊपर से कमाई करती ही करती है, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि अभी तक जो कि सलमान खान की हर फिल्मों का कलेक्शन बहुत ही हाईफाई रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि टाइगर 3 मूवी जो कि एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म का क्रेज जो कि रिलीज होने के पहले ही बना हुआ है और ऑडियंस इस फिल्म को अच्छा खासा प्यार भी दिखा रही है, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि पब्लिक रिव्यू भी इस फिल्म को बहुत ही प्यारा और बहुत ही जोरदार मिल रहा है। इससे पहले आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में आप लोगों को सलमान खान तो दिखाई देने ही वाले हैं, और वहीं इस फिल्म में आप लोगों को जो कि कैटरीना कैफ भी जोरदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर आएंगी। हालांकि इस फिल्म में जो कि आप लोगों को दो सुपरस्टार जो कि एक्शन करते हुए तो दिखाई देने ही वाले हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कि विलन के किरदार में आप लोगों को इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं जो कि सलमान खान से बहुत ही जोरदार तरीके से टक्कर लेने वाले हैं टाइगर 3 मूवी में। वहीं इमरान हाशमी जो कि सलमान खान के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, इसी कारण इस फिल्म का क्रेज और भी ज्यादा बनता है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में आप लोगों को शाहरुख खान भी देखने को मिलने वाले हैं। शाहरुख खान का हालांकि एक छोटा सा कैमियो रहने वाला है, लेकिन शाहरुख खान का वो कैमियो छोटा सा जो कि टाइगर 3 मूवी को एक नए मुकाम पर भी ले जा सकता है, क्योंकि पठान मूवी में सलमान खान का एक छोटा सा कैमियो था जिसे ऑडियंस ने पसंद किया था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला था पठान मूवी को, वैसा ही कुछ आप लोगों को जो कि टाइगर 3 मूवी में देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म का ट्रेलर आप लोगों को बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान मूवी के साथ यह फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, और वहीं दोस्तों इस फिल्म के गाने फिर रिलीज होंगे, और वहीं दोस्तों एक के बाद एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोगों को बताइए चले कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस इतना ज्यादा बना हुआ है कि यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कि 60 से 70 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है, और वहीं दोस्तों उससे ज्यादा भी कर सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी एक जोरदार और धमाकेदार फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।